ગાંધીધામ કંડલા વિસ્તારને ખાલી કરવા માટે ડીપીટીના ચેરમેન તેમજ અંજાર પ્રાંત અધિકારી સાથે સ્ટાફ મળીને કંડલા બાજુના 5 જેટલા વિસ્તારોને ખાલી કરાયા જેમાં ડીએવી તથા ડીપીએસ સ્કૂલની બસો જોડાઈ। वायु वावाजोड़ा ने लीधे गुजरात राज्यनु तंत्र पूरेपूरु सज्ज छे। बुधवार सवारथी ज गांधीधाम कंडला विस्तार ने सज्जड खाली करवा माटे डीपीटीना चेरमेन एस के मेहता तेमज अंजार प्रांत अधिकारी डॉक्टर वीके जोशी तथा गांधीधाम मामलतदार वैभव व्यास वगैरह अन्य स्टाफ कंडला विस्तार ने खाली करवामां जोड़ाया हता। जे खाली करावेला विस्तार जेम के जूना कंडला मीठापोर्ट बन्ना विस्तार सर्वा केम्प तथा रेलवे झूंपड़पट्टी जेवा विस्तारों ने सज्जड खाली करावामां आव्या छे। झूंपड़पट्टी में रहता लोगों ने एसटी बसों द्वारा स्थलांतर कराने सुरक्षित जगह पहुंचाड़वामां आव्या छे तथा लोगों माटे राशन पानी की पण व्यवस्था करवामां आवी छे। आम गांधीधाम कंडला वायु वावाजोड़ा सामे लड़वा माटे समग्र रीते सज्ज छे। हमें अलर्ट मिलने के बाद हमने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। हमने अपने कंट्रोल सेंटर शुरू किए, 3 कंट्रोल सेंटर शुरू किए, अपने सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल की, सारे लोग जो छुट्टी पर थे सारे लोगों को वापस बुलाया, सारे लोगों की ट्रेनिंग कैंसिल करके उन्हें वापस बुलाया। और कल शाम में 6 बजे से इनवर्ड शिप का जो भी मूवमेंट था, सारा शिप का मूवमेंट कल शाम में 6 बजे से ही बंद करवा दिया। हमारा टारगेट था कि सुबह 9 बजे तक हम पूरा पोर्ट अपना खाली कर देंगे। सुबह 9 बजे तक हमारा सारा पोर्ट, पूरा पोर्ट खाली हो चुका है। पोर्ट पर एक भी शिप नहीं है, सारे शिप को सेफ सिक्योर जगह पर भेज दिया गया है। उसके साथ जो भी हमारे क्रेन्स हैं, क्रेन्स वगैरह को भी सिक्योरली हमने उसको सिक्योर रखने की व्यवस्था कर ली। सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ थी इतने सारे लोगों को इवैक्यूएट करना। लो लाइंग एरिया में काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, तकरीबन 3000 लोग हैं जो कांडला के लो लाइंग एरिया में रह रहे हैं। इन सारे लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगह पर ले जाना सबसे बड़ा काम था। वो आज सुबह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के साथ हम सारे लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 2 बजे तक पूरा कंप्लीट इवैक्यूएशन पूरा हो जाए। काफ़ी सारा इवैक्यूएशन हो चुका है, उनके लिए रहने खाने की सारी व्यवस्था की गई है। गोपालपुरी पोर्ट कॉलोनी में व्यवस्था की गई है, उसके साथ दूसरी जगहों में स्कूलों में भी व्यवस्था की गई है उनके रहने और खाने की। कोस्ट गार्ड के जितने शिप हैं, कोस्ट गार्ड के सारे 6 शिप हमारे पास आ रहे हैं हमारे एरिया में रखने के लिए, वो 6 शिप भी आ जाएंगे यहाँ। बाकी सारा कुछ, बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी है। हम यहाँ कंट्रोल सेंटर में बैठे हुए हैं, कंट्रोल सेंटर से हम उस साइक्लोन का मूवमेंट कंटिन्यूसली हम वॉच कर रहे हैं कि साइक्लोन का मूवमेंट किधर है, क्या है। IMD के साथ हम लोग संपूर्ण तरह से उनके कांटेक्ट में हैं और लगातार उनके बुलेटिन देख रहे हैं, और अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके भी हम उसका मूवमेंट चेक कर रहे हैं। साइक्लोन का मूवमेंट अभी IMD के अनुसार वही है कि साइक्लोन वेरावल से भावनगर के बीच में कहीं लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में लैंडफॉल होगा उसका। अभी हमारा भी एस्टिमेशन वही है।